हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पापिया व्लॉग्स। तो कभी कभी अपने आप को मेकओवर करना, अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरत होता है। तो फ्रेंड्स, इसी सिलसिले में एक स्पेशल डे के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, प्राणायाम मेकओवर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये प्राणायाम मेकओवर्स का इंटीरियर है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बोल रही थी कि बहुत ज़रूरी है आप अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाए बाई थाट्स, वर्ड्स, एक्शंस एंड इवन लुक्स। सेल्फ ग्रूमिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, नॉट ओनली टू शो टू अदर्स बट फॉर योर ओन हैप्पीनेस। आपकी खुशी के लिए आप थोड़ा मेकओवर करें अपना, इससे एक फील गुड फैक्टर बहुत हाई हो जाता है। इनका इंटीरियर्स बहुत ही अच्छा है, स्पेशली इनके जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो ये है इनका ब्यूटी रूम, मैं यहाँ पे आ गई हूँ। जैसे कि आप मेरे फेस में देख सकते हैं, काफ़ी पिंपल्स हैं, तो मैंने एक स्पेशल ट्रीटमेंट लिया है यहाँ से। तो ये ट्रीटमेंट मेरा हो रहा है और ट्रीटमेंट के बाद मेरा फेस देखिए कितना अच्छा ग्लो कर रहा है। ये है मेरी ब्यूटिशियन जिनने मेरा स्किन ट्रीटमेंट किया था। स्किन ट्रीटमेंट के बाद बात आती है हेयर की, तो कंप्लीट मेकओवर के लिए हेयर कट भी ज़रूरी था। ये बिफोर हेयर कट वाला मेरा लुक है और ये है हेयर ड्रेसर जो मेरी हेयर कट कर रहे थे। तो मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर लुक भी दिखाऊंगी, हेयर कट के बाद ये कैसा लग रहा था और किस सेलिब्रिटी से इंस्पायर होके मैंने अपना हेयर कट किया था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिए, हेयर कट हो चुका है मेरा, आफ्टर हेयर कट लुक। थोड़ी सी मॉडलिंग कर रही हूँ जस्ट फॉर फन। सो मैंने किस मॉडल से इंस्पायर होकर अपना हेयर कट किया है वो दिखा देती हूँ। तो ये है वो मॉडल जो काफ़ी ब्यूटीफुल है और मैंने किस स्पेशल ओकेशन के लिए मेकओवर किया है वो भी जल्दी ही शेयर करूंगी। तो मैंने अपना डे क्लोज किया विद दिस टेस्टी यमी चिकन बिरयानी। आपको ये छोटा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।